नमस्कार, मैं गौरी और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में बात करेंगे महाराष्ट्र की। यहाँ आठगांव में सेवानिवृत्त सैनिक का जुलूस के साथ किया गया अभिनंदन। बात करेंगे रायबरेली की। यहाँ सामान उधार न देने पर दबंगों ने दुकानदारों को पीटा। और चर्चा करेंगे सिंगरौली की। यहाँ विंध्यनगर थाना क्षेत्र यूएस प्लाजा के बगल में बंसल टायर की दुकान में लगी भीषण आग। तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। महाराष्ट्र आठगांव में सेवानिवृत्त सैनिक का ग्रामीण जुलूस के साथ अभिनंदन किया गया। पूर्व सैनिकों की भागीदारी और पहल कन्नड़ तालुका में छत्रपति संभाजीनगर जिले में सैनिकों के गांव के रूप में जाने जाने वाले अदगांव की ग्राम पंचायत और ग्रामीणों ने भारतीय सेना में उनकी 30 साल की सेवा के लिए सूबेदार शरद काशीनाथ भोसले का भव्य जुलूस निकाला और पूर्व सैनिकों को हटा दिया गया। साथ ही पटाखे फोड़ कर जुलूस निकाला गया और शिवनेरी चौक की पाटिका का अनावरण सैनिकों द्वारा किया गया। गांव की माताओं बहनों ने सैनिकों की पूजा की और उन्हें आशीर्वाद दिया। जवानों ने गांव में छत्रपति शिवाजी महाराज के स्मारक पर पुष्पमालाएं चढ़ाकर नमन किया और पूजा अर्चना कर नारे लगाए। साथ ही जागृत हनुमान मंदिर में भी पूजा अर्चना की। स्कूली छात्र छात्राओं ने जुलूस में राष्ट्रीय ध्वज लेकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि भी अर्पित की। उसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। मौके पर विभिन्न गणमान्य लोगों ने अपनी संवेदना व्यक्त की और ग्रामीणों और अधिकारियों ने सैनिक के परिवार को सम्मानित किया। कार्यक्रम का संचालन पत्रकार अरमान बूर ने किया। इसके बाद सहभोज के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। इसके लिए गांव की दीदी को पूर्व सैनिकों और ग्रामीणों का सहयोग मिला। महाराष्ट्र छत्रपति संभाजी नगर से सीनियर संवाददाता शिवाजी नवले की रिपोर्ट। अपने आप को सीबीआई अधिकारी बताकर दो लोगों को ठगने वाले एक व्यक्ति को बेलापुर पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक गिरिधर गोरे ने कहा कि सुनील धुमाल नामक व्यक्ति सीबीआई में कॉन्ट्रैक्ट पर ड्राइवर का काम करता था, लेकिन जब उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ तो उसके बाद वो अपने आप को सीबीआई का अधिकारी बताकर लोगों को ठगने का काम करता था। पुलिस ने क्या कुछ जानकारी दी है, आइए सुनवाते हैं। हिंदी में हमसे यार बागवानी हिंदी सर। अप्रैल 2022 करीबन उस मंथ में एक सुनील धुमाल करके जो प्रॉपर कोल्हापुर का आदमी है वो सीबीआई डिपार्टमेंट में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ड्राइवर था। जब उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ उसके बाद उसने कई लोगों को सीबीआई में ऑफिसर एक बता के लोगों को चीट करना शुरू किया था। ये बेलापुर सीबीडी बेलापुर में जो बचत भवन करके शासकीय विश्राम गृह है वहाँ लोगों को मिलता था, वैसी एक घोरपड़े और जैन करके कोल्हापुर के दो कंप्लेनेंट है उनको भी वो अप्रैल 2020 में उनको मिला। उनको उन्होंने बताया कि मैं एक सीबीआई का ऑफिसर हूँ और उसने कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में आगरा तालुके में जो 50 एकड़ वन विभाग की जो ज़मीन है वो ज़मीन आपको ट्रांसफ़र करके देता हूँ ऐसा उसको बता दिया। और उसी ज़मीन के बारे में उसने एक बोगस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का NOC प्लस दिंडोशी कोड का एक ऑर्डर उनको बनावटीकरण किया हुआ दिखाया और उनका विश्वास संपादन किया और उसके बाद जमीन के ट्रांसफ़र करता हूँ ऐसा बोल के उनसे 80 लाख रुपया लेके उनको चीट किया है। अभी उसको हमने अरेस्ट किया है, उसको 29 तक पुलिस कस्टडी मिली है। अगर हमारा आपकी तरफ से आपके थ्रू लोगों का ऐसा आह्वान है कि अगर ऐसे धुमाल ने अगर किसी को ऐसा चीट किया रहेगा तो वो तुरंत हमसे संपर्क करे। महाराष्ट्र से सीनियर संवाददाता मुस्तकीम खान की रिपोर्ट। खबर रायबरेली के सरेनी थाना क्षेत्र के मधुकरपुर की है। यहाँ दुकानदार रजनू ने राजेश सिंह को सामान उधार नहीं दिया तो उसे बुरी तरह पीटा गया। दुकानदार रजनू का आरोप है कि राजेश सिंह ने शराब के नशे में उसे गालियां दी और बेरहमी से धारदार हथियार से मारा, जिससे रजनू बुरी तरह से घायल हो गया। उसका इलाज एम्स में चल रहा है। पीड़ित रजनू का आरोप है पुलिस पर भी कि पुलिस ने धारा 151 जैसी मामूली धारा में चालान करके मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया, लेकिन घायल दुकानदार एम्स में भर्ती है और उसके शरीर में गंभीर चोट आई है। क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं? रजनू यादव, मथुरपुर जी। थाना सरेनी जी। क्या घटना हुई है? घटना थोड़ा से हम दुकान में, हमारी दुकान है वहाँ गए थे, उधार की धमकी दे कर मारने की धमकी दे रहे थे सर। कौन लोग हैं? वो राजेश सिंह है जी। कहाँ के रहने वाले हैं? वो है गौरंग के पुरवा। क्या हुआ फिर? उसके बाद चले गए और दूसरे दिन हमको तक करके बैठा रहा, हमको पता नहीं चला सर। हम सौदा लेके दुकान की आ रहे थे, थोड़ा अंधेरा था, उसमें हमको कुल्हाड़ी मारा सर। पहले सिर में मारा कुल्हाड़ी, बहुत गहरी चोट लगी। उसके बाद फिर आँख के पास मारा जी।
आँख के पास मारने के बाद फिर से जो है हाथ पर मारा तो हमने छुड़ा लिया। फिर उन्होंने जो है छोटी से मारा है कि हड्डी टूट गई जी, कहाँ पर पैर की हड्डी टूट गई, एकदम अलग हो गई। और उसके बाद सिर में मारा और ये छाती पर मारा छोटी से। अपने थाने में शिकायत की गई है? हाँ जी, थाने में शिकायत। क्या कार्रवाई हुई है अभी तक? कुछ नहीं, सुनवाई हो रही है, पैसा खा लिया जी। उन्हें थाने में कोई सुनवाई नहीं हुआ और नॉर्मल धारा लगा करके और अपना कुछ नहीं हुआ। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता इंद्रेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। सिंगरौली के विंध्यनगर थाना क्षेत्र बंसल टायर की दुकान में शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई। आग की लपेट देकर मौजूद लोगों के बीच भगदड़ मच गई। सूचना मिलने की कुछ देर बाद ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और मशक्कत कर किसी प्रकार फायर कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया। आग लगने से लाखों का सामान जलकर पूरी तरह से राख हो गया। सिंगरौली से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष की रिपोर्ट। सोनभद्र रॉबर्ट्सगंज स्थित श्री राम जानकी मंदिर परिसर में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के तीसरे दिन शनिवार की शाम कथा व्यास वृंदावन के पधारे आचार्य मनोहर कृष्ण जी महाराज ने कहा, भजन करने की कोई उम्र नहीं है, जब चाहे श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान की भक्ति करके भगवान को प्रकट कर सकते हैं। वामन देव भगवान की झांकी सजाई गई। इस दौरान समूचा कथा पंडाल जयकारे से गुंजायमान हो गया। वामन देव भगवान का दर्शन करने के लिए भक्तगणों का तांता लगा रहा। बीच बीच में भजन संध्या में भक्तगण डुबकी लगाते रहे। अंत में आरती के साथ ही प्रसाद वितरण किया गया। कथा में ओम प्रकाश पाठक, महेंद्र प्रसाद शुक्ला, आशुतोष पाठक, अजीत शुक्ला, कौशलेश पाठक, धीरज पांडे, विजय कानोडिया आदि भक्तगण मौजूद रहे। सोनभद्र से सीनियर संवाददाता कुमधर चौधरी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।